नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता पांडे। आइए नजर डालते हैं अभी की खबरों पर। तिलक नगर के दशहरा मैदान में रावण दहन के 57 वर्ष पूर्ण हुए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे दादू महाराज। आरती का शुरुआत किया कार्यक्रम। इंदौर के डीआरपी लाइन में पुलिस अधिकारियों ने किया शस्त्र पूजन। एडीजी, डीआईजी, एसपी ईस्ट और एसपी वेस्ट रहे मौजूद। आचार संहिता के चलते वर्ष नहीं हुआ हर्ष फायर। तिलक नगर के दशहरा मैदान में रावण दहन के 57 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। रावण दहन के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में दादू महाराज उपस्थित हुए। रावण दहन से पहले दादू महाराज ने आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तिलक नगर के दशहरा मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न होते हुए 57 साल पूरे हो गए हैं। यहां हुए रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और आमजन उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सत्यनारायण पटेल, पंकज संघवी, विनय बालकीवाला, अमन बजाज विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे दादू महाराज ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली किसी भी त्यौहार में हमें सामान की आवश्यकता पड़ती है। वह सामान बड़ी दुकानों की बजाय छोटी दुकान पर फेरी वालों से या ठेला गाड़ी वालों से ले लो ताकि उनके त्यौहार भी बन सके। रावण दहन के पहले खूब आतिशबाजी हुई जिसके बाद रावण दहन किया गया। इसमें हैरत करने वाली बात तो यह है कि पिछले 15 साल से लगातार मंच पर विराजमान होने वाले विधायक महेंद्र हाडिया को इस बार मंच पर जगह तक नहीं मिली। उन्हें मंच के नीचे ही कुर्सियों पर विराजमान किया गया। इंदौर से गुलाब यादव की रिपोर्ट। क्लब के महासचिव नवनीत शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इंदौर प्रेस क्लब के भवानी कश्यप जी को स्मृति में याद करते हुए, उनकी बताई हुई सारी बातों को याद करते हुए, उनकी प्रेरणा को याद करते हुए, उनकी बताई हुई बातों को याद, हम उनको कक्षा वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये आयोजन 57वां विशाल रावण दहन समारोह उनको समर्पित करते हैं। दशहरे के पर्व पर शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसे में हमेशा शस्त्रों के साथ रहने वाली पुलिस भी शस्त्र पूजा में पीछे नहीं रही। इंदौर के डीआरपी लाइन में पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया। इंदौर रेंज के डीआईजी अजय कुमार शर्मा, डीआईजी हरिनारायणचार्य मिश्र, एसपीएस अवधेश गोस्वामी और एसपी वेस्ट सिद्धार्थ बहुगुणा ने इंदौर के डीआरपी लाइन में हवन कर शस्त्रों का पूजन किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विजयदशमी बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। ऐसे में पुलिस का भी प्रयास है कि वह बुरा काम करने वाले, देश विरोधी ताकतों और झगड़ा करवाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करे। अपनी शक्तियों का पुलिस जनता की सुरक्षा और सेवा में लगाए। दशहरे पर हर बार शस्त्र पूजन के बाद अधिकारियों द्वारा हर्ष फायर किया जाता है, लेकिन इस बार आचार संहिता लगी हुई होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्ष फायर नहीं किया। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। विजयदशमी बुराई पर सच्चाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को सबको देखना है कि अच्छा काम करें, अच्छाई करें, ताकि जो बुरे काम करने वाली ताकतें, देश विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें, लड़ाई झगड़ा कराने वाली ताकतें, उनको हम पराजित कर सकें। और आज सबको, हम सबको, पूरी जनता को मिलकर ये संकल्प लेना पड़ेगा कि अच्छा काम करके, सही काम करके, भाईचारा बनाए रख के हम अच्छा समाज करें, विकास करें और नई ऊँचाइयों तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है और मुख्य तौर पर इस अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया और शस्त्र पूजन के द्वारा पुलिस यह संदेश देती है कि पुलिस की जो शक्तियां हैं, पुलिस के पास जो कार्य हैं, उसका इस तरह उपयोग हो कि आम जनता, जो कानून पसंद व्यक्ति है, वो एक पुलिस को सहृदय मित्र समझे और जो आपराधिक ताकतें हैं, जो देश विरोधी, जो समाज विरोधी ताकतें हैं, उनके लिए पुलिस एक अभेद्य एवं दुर्गम चुनौती बनी रहे। इंदौर के सांवेर से भाजपा विधायक राजेश सोनकर की घर से गिरने की झूठी खबर किसी ने सोशल मीडिया पर चला दी। इस अफवाह ने विधायक समर्थकों सहित भाजपा के खेमे में सनसनी फैला दी। इसकी खबर जब विधायक को लगी तो उन्होंने इस अफवाह का खंडन किया।
सांवेर के भाजपा विधायक राजेश सोनकर की मुरई मोहल्ला स्थित घर की तीसरी मंजिल से गिरने की खबर ने शहर में सनसनी फैला दी। समर्थक सहित पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी मच गई। इस मैसेज के वायरल होने के बाद से भाजपा कार्यकर्ता विधायक के घर पहुंचने लगे। मैसेज का पता लगते ही पुलिस भी विधायक के घर पहुंच गई। इस बात की खबर जैसे ही भाजपा विधायक को लगी तो उन्होंने खुद मीडिया से बात कर मैसेज का खंडन किया। भाजपा विधायक ने बताया कि किसी गलतफहमी के चलते यह सूचना फैल गई है। विधायक ने बताया कि छत से गिरने का हादसा हुआ जरूर है, जिसमें वो नहीं बल्कि उनके घर के पास ही रहने वाले रिश्तेदार 58 वर्षीय पवन सोनकर की मौत हुई है। इंदौर के घोसीखेड़ा रोड पोल्ट्री फार्म के सुपरवाइजर के साथ हुई लूट का सिमरोल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट के रुपयों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिमरोल थाना क्षेत्र के घोसीखेड़ा रोड पर पोल्ट्री फार्म के सुपरवाइजर के साथ 70,000 रुपए की लूट हो गई थी। इसके बाद सिमरोल पुलिस जांच में जुट गई थी। इसका पर्दाफाश करते हुए सिमरोल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 77,500 रुपए और वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है, जिससे हुई और भी खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। पोल्ट्री फार्म की गाड़ी डिलीवरी की गई थी कमलापुर निवासी अतीक खान को, एवं उसके एवज में उसे यह पैसे लेके वापस अपने पोल्ट्री फार्म आ रहा था। जब उस गाड़ी के ड्राइवर से हमने चर्चा करी तो उसने अपने एक साथी फिरोज पे काफ़ी शंका जाहिर करी और बताया कि उसका घटना दिनांक को काफ़ी संदिग्ध आचरण दिखाई दे रहा था। इस सूचना पे जब हमने तत्काल फिरोज से पूछताछ की तो उसने हिकमत अमली से पूछताछ करने पर यह घटना का षड्यंत्र रचना कबूल किया है, एवं उसने यह भी बताया है कि इस घटना में उसके दो साथी इरफान और इमरान और शादाब, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस लूट की घटना को कारित किया था, एवं पूरी घटना का षड्यंत्र फिरोज के द्वारा रचा गया था, जिसे यह पता था कि रेगुलरली इस रूट पे गोविंद के द्वारा ऐसा कैश लेके अपने पोल्ट्री फार्म पे वापस जाया जाता है। मिस इंडिया रनवे का अवार्ड जीतने के बाद रिंपल रॉय पहली बार अपने गृह नगर इंदौर आए। देर शाम इंदौर पहुंचे रिंपल एयरपोर्ट से सीधे राजवाड़ा पहुंचे। इस मौके पर उनके परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजवाड़ा पहुंचकर रिंपल रॉय ने माँ अहिल्या की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, ये मैं अभी जो ये मिस इंडिया होते हैं मुंबई में हुआ था, मुराई में, तो वहाँ पे से मैंने कॉन्टेस्ट जीता था। और उसके अलावा मैंने कर्नाटका को भी रिप्रेजेंट किया। इंदौर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरे सारे समाज वाले और पूरा इंदौर मेरे स्वागत के लिए आया है। तो बहुत सारे लोग आए थे एयरपोर्ट पे और लाइक बहुत सारे बुके के तो इतनी सारी वेल विशेज दी हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं पता मतलब वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, पर इन शॉर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैंने अपने समाज राय समाज का जैसल समाज का अपना नाम रोशन किया। और उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इंदौर का नाम रोशन किया। हाँ, मेरा ये रीज़न था कि मैं यहीं पर बड़ी हुई हूँ, तो इंदौर ऐसे ही अहिल्या माता की नगरी माना जाता है। और उसके अलावा मैं हमेशा से आते जाते रहती हूँ, बचपन 15 साल यहीं निकाले हैं, तो यहीं पर खेलना, यहीं पर खाना, यहीं पर पीना, यहीं पर रहा है। तो मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ जिससे मैं आगे जो भी करूँ उसके लिए सफलता मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा। अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।